ऑल पास फिल्टर, ये सर्किट हमारे ऑल पास फिल्टर का है, जो कि देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि ऑल पास फिल्टर, जो कि सारी फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा, इसलिए इसे ऑल पास फिल्टर बोलते हैं, यानी कि कोई भी एटेन्यूशन नहीं होगी इसमें। ऑल पास फिल्टर के ये प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर फेज शिफ्ट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, यानी इनपुट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, और जो हम सिग्नल जो कि हम ट्रांसमिट करेंगे अपनी, जैसे कि हमारे टेलीफोन वायर्स होते हैं उसमें से जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके सिर्फ फेस में चेंज आता है। और अगर हम ये चाहते हैं कि फेज चेंज करके हम अपने सिग्नल्स को सेंड कर सकें, तो हम ऑल पास फिल्टर को यूज करते हैं। इस फिल्टर को डिले, इक्वलाइजर और फेज करेक्टर भी बोला जाता है। देखिए ये सर्किट है, अगर आप देखें ये सर्किट, जो अगर मैं यहाँ से इस कनेक्शन को हटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। सिर्फ देखिए जो सारे हम ओपैम के जो हमने फिल्टर्स किए हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के सर्किट्स हैं उन पे डिपेंड है, माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उनके जो वैल्यूज हैं वो भी सेम सेम है, इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आएगा सब। अगर इसकी आउटपुट वोल्टेज जो होगी उसको हम सुपर पोजिशन थ्योरम से शो कर सकते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज आती है वो होगी माइनस वी इन माइनस जी एक्स सी अपॉन आर माइनस जी एक्स सी वी इन टू, इसके माइनस जे एक्स सी जो कि इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन J 2 पाई एफ सी के, ये 1 अपॉन J 2 पाई एफ सी के इक्वल होगा, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर में भी किया था। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, वी ओ इज इक्वल टू वी इन माइनस 1 प्लस 2 अपॉन J 2 पाई एफ आर सी प्लस 1। इसको हम वी ओ अपन वी इन करें तो हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज गेन के लिए तो आएगा 1 माइनस J 2 पाई एफ आर सी अपॉन 1 प्लस J 2 पाई एफ आर सी, जिसमें ये इसमें जो एफ है वो शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को जो कि हर्ट्स में होगी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट है वो यूनिटी में होगा, और अगर हम इसका फेज शिफ्ट देखें आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का, वो उसको हम इनपुट फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो फेस एंगल होगा जिसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू होगा -2 tangent inverse J 2 pi f R C अपॉन 1 के इक्वल। इसकी जो वेव फॉर्म्स हैं ये फेस एंगल और वोल्टेज के बीच में ड्रॉ की जाती हैं। ये पॉजिटिव पीक वोल्टेज शो करती है जिसे वी पी से डिनोट किया गया है, ये नेगेटिव पीक वोल्टेज शो करती है जिसे माइनस वी पी से डिनोट किया गया है। फ्रीक्वेंसी जिसे हर्ज में लेते हैं, रेजिस्टर जिसे ओम्स में लेते हैं, कैपेसिटी जिसे फैरेड में लेते हैं। अब फेस एंगल फाई को फाइंड करने के लिए अगर हमें एफ आर सी फ्रीक्वेंसी रेजिस्टर कैपेसिटर की वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं, फेस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें फेस एंगल जो होगा, देखिए यहाँ पे रेजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, तो इस टाइम पे जो आउटपुट आएगी वो ये होगी, ये जो हमारी आउटपुट पे आएगी वो ये होगी, यानी कि इनपुट और आउटपुट में जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा, वो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो लैग करेगी 90 डिग्री इनपुट से। लेकिन सेकंड कंडीशन, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूँ, इस रेजिस्टर को यहाँ पे लगा दूँ, इस कैपेसिटर को यहाँ लगा दूँ, तो क्या होगा, तो ये जो लैग कर रही है 90 डिग्री वो 90 डिग्री लीड करने लग जाएगी, यानी आउटपुट वोल्टेज फिर इनपुट से 90 डिग्री लीड करेगी, ठीक है ना। ये हम वैल्यूज को चेंज करके कुछ मिलकर फेस में चेंज कर सकते हैं, जो फेस एंगल होता है उसे हम चेंज कर सकते हैं, यानी वो फेस एंगल 0 से 1 यानी 0 से -180 डिग्री तक उसे हम चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को वैरी करवा के। अगर हम फ्रीक्वेंसी को 0 से इनफाइनाइट तक वैरी करवाएंगे तो फेस एंगल में भी चेंज आएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि रेजिस्टर आर और सी की अगर इंटरचेंज कर दें इनको,
यानी कि इनको इंटरचेंज करें तो जो लैग कर रही थी वो 90 डिग्री लीड करने लग जाएगी आउटपुट वोल्टेज। यह हमारा ऑल पास फिल्टर। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।